my channel Goa Blogger Nandita. I live in Goa and मैं आपको Goa से related travel tips और Goa का visit कराती हूँ. Goa के ऐसे ही interesting video देखने के लिए मेरे channel को subscribe करके bell icon press कर देना, जिससे Goa की interesting video आप तक सबसे पहले पहुँचे. आज मैं आपको साउथ गोवा के क्राउडेड बीच की सैर कराऊंगी. इस बीच को कोलवा बीच कहा जाता है. यह बीच मडगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर है. आप यहां पर आने के लिए मडगांव से डायरेक्ट बस लेकर आ सकते हैं. आपको 20 रुपीज पर पर्सन फेयर पे करना पड़ेगा. इस बीच की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, मींस यह कह सकते हैं कि यह साउथ गोवा के बड़े बीचों में से एक है. तो चलिए मेरे साथ बीच की सैर कराती हूँ. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि यह क्राउडेड बीच है. यह बीच मडगांव सिटी से सबसे पास होने के कारण भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी लोगों की भी भीड़ लगी रहती है. अभी आपको विदेशी टूरिस्ट नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि पैंडेमिक के कारण बहुत ही कम विदेशी लोग इंडिया में हैं. लेकिन यह एक बहुत ही सुंदर बीच है. अगर आप गोवा आओगे तो मडगांव तो ज़रूर आना पड़ेगा. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि एक दिन मडगांव सिटी में रुककर इस बीच को ज़रूर घूमें. अगर आप मडगांव में रुकना चाहोगे तो इस बीच के साथ साथ बेनौलिम बीच का भी आप विजिट कर सकते हैं. मैं आपको बताना चाहूँगी कि गोवा का मेन रेलवे स्टेशन मडगांव रेलवे स्टेशन है. अगर आप बाय ट्रेन गोवा आओगे तो मडगांव ही आना पड़ेगा. इस बीच में कोई पाबंदी नहीं है. आप बिना किसी पाबंदी के बीच में स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन नाइट में स्विमिंग रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा कि सभी बीचों में होता है. इस बीच पर आपको रशियन, यूक्रेनियन, ब्राजीलियन और यूएसए से आए हुए टूरिस्ट घूमते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अभी विदेशी टूरिस्ट नहीं है. आप इस बीच पर वाटर स्पोर्ट्स का भी एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ पर आप जेट स्की मींस वाटर बाइक, पैरासेलिंग, बोट राइड, बम्पर राइड, बनाना राइड का बहुत कम पैसों में एंजॉय कर सकते हैं. इस बीच पर पैरासेलिंग के लिए आपको केवल 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा और जेट स्की के लिए 300. पैरासेलिंग और जेट स्की टूरिस्ट लोगों के फेवरेट वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना. आप बीच के किनारे इन रेस्टोरेंट में बियर के साथ साथ लंच, डिनर एंड स्नैक्स का एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन बीच के किनारे इन रेस्टोरेंट में खाने पीने और ड्रिंक्स की प्राइस नॉर्मल से ज़्यादा होती है. मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी बीच पर जा रहे हैं तो एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि बीच के किनारे आप 20 रुपीज की वाटर बॉटल 40 रुपीज में देंगे. अगर आप इन बेड्स में बैठना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज पर बेड देना पड़ेगा.
अदरवाइज आपको 1000 रुपीज से अधिक का ऑर्डर देना पड़ेगा। नॉर्मली ये अपना यही रूल रखती हैं, लेकिन फेस्टिवल के समय बेड में बैठने का चार्ज 200 रुपये कर देते हैं। एट लास्ट इस बीच पर आना तो आप सनसेट देखकर जरूर जाना, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा व्यू है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।